चल ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा राम राम। किसका फोन था? तू नहीं जानती इसे, पार्क में आती है, वहीं दोस्ती हुई थी हमारी, अब इसकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। इसी खुशी में सारी सहेलियों को ना रात के खाने पे बुलाया है। वाह मम्मी, आपका तो बढ़िया है, अब मुझे तो आपसे कड़ी बनवानी थी, अब आप वहाँ चली जाओगी। अरे तो कड़ी तो तेरी भाभी भी बना देगी, वो भी बहुत अच्छी बनाती है। मम्मी जी मेरा सारा काम हो गया है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ काम हो तो बताओ। नहीं काम तो कुछ नहीं है, पर तू हाँ रात को कड़ी चावल बनाने हैं तो याद रखना। कड़ी वो तो आप बनाओगे ना? मैं नहीं बना पाऊंगी, तू ही बना लेना, मुझे शाम के खाने पे ना कहीं बाहर जाना है, रेनू के लिए कड़ी तू ही बना देना। चलो कोई नहीं, मैं बना दूंगी। हेलो, हाँ पूनम कैसी है? नहीं अभी तो रुकूंगी, तेरे यहाँ? चल देखती हूँ, चल ठीक है, आज ही आ जाऊंगी शाम को। ठीक है मम्मी, मैं पूनम के यहाँ जाऊंगी, उसका ना बेचारे का दोबारा आ गया फोन बुलाने के लिए। मम्मी अब कड़ी बनाऊं या नहीं बनाऊं? आप भी बाहर जा रही हो, दीदी भी बाहर जा रही हैं, अब इनका भी पक्का नहीं है कि खाना खा कर आएंगी या नहीं। अब मेरे लायक तो सब्जी रखी है। भाभी मेरा खाने का पक्का नहीं है, कड़ी चावल तो मैं खाऊंगी, बना देना। ठीक है खा लेना, बना देगी ये बहू, तो बना देना इसके लिए। ठीक है मम्मी जी। दीदी लेकिन अगर आपका खाने का हो ना तो आप मुझे फ़ोन करके बता देना, क्योंकि ना कड़ी मैं आपके लिए ही बनाऊंगी, मेरे लायक तो सब्जी रखी है और मुझे कड़ी पसंद नहीं है। भाभी आपको बड़ा जोर पड़ रहा है, नहीं बनानी है तो साफ साफ कह दो, कभी कुछ कह रही हो कभी कुछ। दीदी मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि अब तुम दोनों बहस मत करो, और तेरा खाने का बाहर प्रोग्राम हो तो बता देना। बहू अब तू जा अपना काम कर ले, मैं भी थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। अब मैडम ने फोन करके बताया तो नहीं है कि खाना खाकर आऊंगी या नहीं आऊं, मैं बनाऊं भी, अब कहीं ऐसा ना मैं खाना बना दूं और फिर खाए ना, फिर बासी बचेगा। मैं भी कितना खाऊं बासी, सुबह का शाम शाम का सुबह, माँ बेटी फिर मुंह लगाती नहीं है बासी सब्जी को। क्या करूं, फोन करूं फिर 10 बात और सुनाएंगे मुझे, बना ही देती हूँ, बचेगी तो खा लूंगी और क्या है। बेटी ने जान खा रखी है। हाँ सही में मजा आ गया, हाँ पहुंच गई, ठीक है ओके। दीदी लगा दूँ खाना? नहीं भाभी मैं तो खाना खा के आई हूँ। तो दीदी मैंने आपसे कहा था ना खाने का प्रोग्राम हो तो मुझे बता देना, मुझे याद नहीं रहा फोन करना। याद नहीं रहा या जानबूझ के नहीं किया? बोलो। हाँ नहीं किया जानबूझ के, बोलो मेरा क्या करोगी, मुझे पता ही था वो तो। बड़ी अकड़ आ गई है इनमें तो, क्या करता हूँ मैं, डिली करूंगी। एक हाथ भी ठंडा हो रहा है। भाभी मेरे लिए चाय बना देना। भाभी सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ ना तो बोल दो, एक कप चाय बना दो मेरे लिए। दीदी मुझे भी ठंड लगती है, मैं कोई लोहे की नहीं बनी हूँ, आप सारा दिन कंबल में बैठी रहती हो फिर भी आपको ठंड लगती है, अरे मेरी भी सोच लो, आप सारा दिन बैठी बैठी भाभी कभी ये कर दो भाभी कभी वो कर दो, आपको आपकी नंद का आना बड़ा बुरा लगा तो आप यहाँ आ गई काम से बचने के लिए, जिसमें आपकी सास ने ना सारे कामों के लिए नौकरानी लगा रखी है, फिर भी आप दुखी की दुखी, अरे मेरी भी सोच लो,
यहाँ घर का सारा काम मैं खुद अकेली करती हूँ। दीदी, मुझे आपका यहाँ आना बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं ना आपकी हरकतों से परेशान हो चुकी हूँ। अगर आप चाहती हो ना कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँ, तो आपको भी मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। हे भगवान, मैंने एक कप चाय की क्या बोल दिया आपको? आपने तो इतना बड़ा भाषण सुना दिया मुझे। आपको मेरा रहना यहाँ पसंद नहीं है ना, तो आने दो मम्मी को, आज मैं ना उन्हीं से बात करूंगी। हे भगवान, बाहर तो बिल्कुल बर्फ पड़ रही है, बहुत ठंड हो रही है। अरे प्रिया, एक कप चाय बना दियो मेरे लिए। तो तू पिएगी बेटा? बनवा दो तेरी भी। रहने दो, बहुत पी ली तुम्हारे बहू के हाथ की चाय, मुझे नहीं पीनी। क्या हुआ, तू इतने गुस्सा क्यों हो रही है? कोई बात हो गई क्या? तेरी भाभी ने कुछ कह दिया क्या तुझसे? अब बताएगी भी, हुआ क्या? मुंह फुला के बैठ गई है। मम्मी जी, मैं बताती हूँ, मैं ना रसोई में खाना बना रही थी, तो दीदी कहने लगी मेरे लिए चाय बना दो। अरे मम्मी, मैं अकेले सारा काम कर रही हूँ रसोई में, कम से कम उठकर चाय तो बना ही सकती हो। पर नहीं, हर चीज बिस्तर में बैठे बैठे चाहिए। इन्हें ठंड लगती है तो मुझे ठंड नहीं लगती है क्या? ये ठंड में काम से बचने के लिए यहाँ आ गई, ताकि इन्हें ठंड में कोई काम ना करना पड़े। मैं भी अपने मायके चली जाऊँ, तब ठीक रहेगा। आपको आपकी नंद का आना पसंद नहीं आता, क्यों? क्योंकि उनका काम करना पड़ता है आपको, जिसमें आपकी सास ने ना कोई जिम्मेदारी नहीं सौंप रखी आपको। और मम्मी, मैंने ठंड ठंड आपसे कही थी कि काम वाली लगवा दो, आपने भी फट से बोल दिया कि काम ही क्या है। और वहीं दूसरी तरफ दीदी के यहाँ सारे काम वाली लगी हुई हैं, फिर भी आपको यही लगता है ना कि बेचारी को कितना काम करना पड़ता है। मम्मी जी, आपको अपनी बेटी का बहुत दर्द दिखाई देता है जो है ही नहीं, और मेरा दुख दर्द जो सामने है उसमें आपने आंखें बंद कर रखी है। क्यों, मैं किसी की बेटी नहीं हूं?